Krishna Krishna Sundaram 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 Jai Nandalala Jai Jai Gopala 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 जय जय यशोदानन्दनम् कृष्णा कृष्णा सुन्दरम् बोलो कृष्णा कृष्णा सुन्दरम् कृष्णा कृष्णा सुन्दरम् राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 वृंदावन में राधे 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 वृंदावन में राधे ओम जय श्री राधा ओम जय श्री कृष्णा श्री राधा कृष्णाय नमः ओम जय श्री राधा ओम जय श्री कृष्णा ओम जय श्री राधा 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 ओम जय श्री कृष्ण 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 श्री राधा कृष्णाय नमः श्री राधा कृष्णाय अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल हरि भजन बिना सुख शांति नहीं 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 हरि नाम बिना आराम नहीं हरि नाम बिना आराम हरि नाम भजन बिना सुख शांति नहीं हरि भजन बिना सुख शांति नहीं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम
राम शरणम राम शरणम राम शरणम सीता राम शरणम राम शरणम राम शरणम राम शरणम सीता राम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम राधे कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम राधे कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम राधे कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम राधे वर कृष्ण चंद्र की जय। हम आग्रह करेंगे अपने पिताजी से कुछ दो शब्द तो कह दें तो फिर हम क्षमा प्रार्थना और शांति पाठ करेंगे। धन्यवाद बेटा। उपस्थित प्रिय भक्तजन, दूर निकट से आए हुए हमारे परिवारजन, मैं अपने परिवार की ओर से आप सभी को हृदय स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता है कि आप सब अपना महामूल्य समय निकालकर यहाँ पर इस शुभ काम में हमारा सहयोग दिया। आप सभी को मैं आभारी हूँ, क्योंकि प्रिय भक्तजन, जब हम छोटे थे और हमें तो यही ज्ञान मिला कि जब पितृपक्ष के समय होता है उस समय 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना कि भूत प्रेत घूमते हैं। वो हमारे माई बाप का ये गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास उस समय वही उतने ज्ञान था। आज जैसे समय आगे बढ़ता है, बच्चे और बुद्धिमान होते हैं और रिसर्च करते हैं और अच्छी अच्छी बात हमारे सामने आते हैं। ये बहुत सुंदर समय है कि हमें पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे पूर्वज है, उन्हें कहते हैं कि डीएनए नहीं चुनते, हमारे जो पूर्वज हैं वे किसी भी तरह के कोई भी योनि मगर फंसे हैं, उन्हें मुक्ति अवश्य मिलेगा। क्योंकि गीता में ये भी बताया गया है कि गंगा पुत्र पितामह भीष्म, जैसे कि बेटा ने कहा कि जो कर्म, जैसे करण गलत के साथ दे रहा था और उस गलत के कारण उन्हें वो कर्म भोगना पड़ता है, उसी तरह पितामह भीष्म बाणों के सैया पे पड़े हैं और अपना प्राण नहीं त्यागते, क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु थी तो प्राण नहीं त्यागते हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि क्यों ऐसे कर रहे हो, तब उसने बताया कि जब तक सूर्य भगवान उत्तरायण की तरफ नहीं जाएगा मैं अपना प्राण नहीं त्यागूंगा। और उस सैये पे वो पड़े थे, जब सूर्य नारायण उत्तरायण में गया तब उन्होंने अपना प्राण त्यागा। और गीता में ऐसी ऐसी ज्ञान है, हम किसी भी धर्म को माने, कोई भी धर्म, लेकिन हमारा कर्तव्य होता, हमारा परम धर्म होता है कि हम वो अपना कर्म करें। ये नहीं कि खाली सनातन धर्म, कोई भी धर्म में आप है, अपना कर्म करो आप अवश्य फल पाओगे। तो गीता में एक बात और, शत्रु अध्याय में बहुत पसंद है, मैं शत्रु अध्याय पढ़ना पसंद करता हूँ, क्योंकि हमें उसमें बहुत सुंदर ज्ञान मिलता है कि सात्विकी पुरुष, सात्विकी प्राणी, राक्षसिक और तामसिक, ये 3 प्रकार के हैं। और भगवान ने बताया है, उस 17वें अध्याय में बताया है कि आप
किसी से मिलोगे और उन्हें देखकर आप जान जाओगे कि इसके मन में क्या चल रहा है, एक क्या सात्विकी है या तामसी है या राक्षसी। उनके विचार से आप उन्हें मिलोगे, आपको पता लग जाएगा।